नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव सूरज हट का सबसे से। जैसे कि दोस्त पता होगा, मैं इलेक्ट्रिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज आप इधर देख रहे होंगे आरएमयू है, ये एक एबीबी कंपनी का आरएमयू है। आज हम समझने वाले हैं आरएमयू में एमओजी का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। एमओजी जैसे कि आपको पता होगा मैग्नेटिक ऑयल गेज होता है। मैग्नेटिक ऑयल गेज क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके वन साइड में एक डायल सा लगा होता है, वो होता है मैग्नेटिक ऑयल गेज। उसके अंदर मैकेनिज्म होते हैं जो कि मैग्नेटिक पर ही कार्य करता है। अगर जो इसके बारे में अगर वो डिटेल में जानना है मैग्नेटिक ऑयल गेज का मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है, तो उसमें हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। एमओजी का जो इंटरनल पार्ट होता है उसके बारे में समझाना काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आज मैं आपको केवल यह बताने वाला हूँ कि आरएमयू में एमओजी का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी आप आरएमयू पर आओगे तो आपको जानना होगा कि एमओजी कनेक्शन और आरएमयू में कैसे होगा, किस पॉइंट पे होगा। ट्रांसफार्मर का जो एमओजी होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं आरएमयू में, ठीक है। तो आरएमयू का जो रिले होता है उसमें देखेंगे कौन सी कंपनी का रिले है। उसके बाद उसमें रिले में पीछे आप देखोगे वहाँ पर लिखा होगा रिमोट कंट्रोल, रिमोट ट्रिप, इस तरीके से लिखा रहता है। तो रिमोट कंट्रोल या रिमोट ट्रिप लिखा होगा तो वहाँ से दो हमारे वायर निकल रहे होंगे। जैसे इधर आप देख रहे होंगे ये टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है जो कि है, ये आरएमयू के सारे कनेक्शन जो है इधर फिट किए गए हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में वन साइड पे एमओजी लगा होता है। वीडियो में आगे बढ़ता हूँ उसके पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक डायग्राम के जरिए कि कैसे कैसे कनेक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए, मैं आपको समझाता रहूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आपको मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा रिले है, कुछ इस तरीके से हमारा रिले बना हुआ है, ठीक है। ये रिले है, इसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा रिले है और यहाँ जब इधर हम आते हैं तो ट्रांसफार्मर आ जाता है। ट्रांसफार्मर की 1, 2, 3 और 4 जिसमें है आर, वाई, बी और न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने ट्रांसफार्मर की बुशिंग बना लिया और रिले बना लिया। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एमओजी। एमओजी में आप देखोगे यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखाई देगा, टर्मिनल 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से कुछ टर्मिनल होंगे जिसमें 4 टर्मिनल रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो है रिमोट कहाँ है। रिमोट अगर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप वहाँ उसके देखोगे मार्किंग में, जैसे H4 में या H9 में, दो टाइप की मार्किंग है। यहाँ पे आरएमयू के बगल में टर्मिनल बॉक्स मिलेगा जिसमें जो है ये कनेक्शन जो है आके जुड़ते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लगे होंगे जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पे सारे टर्मिनल जुड़े हुए हैं, जिसमें एक साइड होता है स्विच 1, स्विच 2 और ये सर्किट ब्रेकर 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगे होंगे। तब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि H4 और H9 का कौन कौन सा टर्मिनल है। अगर जो आपको यहाँ से टर्मिनल मिल गया तो यहाँ देखोगे आप नंबर रहेगा, तो नंबर यहाँ से आपने केबल कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है कि इसके एक केबल के एक वायर को डायरेक्ट आपको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। एक वायर लिया और डायरेक्ट हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फेज का कनेक्शन देना है। हमने मान लो वाई फेज ले लिया और यहाँ से हमने यह जो है यहाँ पर 4 नंबर में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब एक तार जो होगा इस केबल का उसको हमें 1 नंबर में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कुछ इसका मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है, जिसमें आप देखोगे यहाँ टर्मिनल जो होंगे ये जो है नंबर वाइज, जैसे 204, 209 या 203 इस तरीके से दिए, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एमओजी का कनेक्शन होता है जैसे मैंने डायग्राम में बताया। एमओजी का कनेक्शन क्यों जरूरी होता है, जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कंजर्वेटर टैंक में ऑयल लेवल जो है एक स्तर तक हमें मेंटेन करना आवश्यक होता है। अगर जो कंजर्वेटर में ऑयल लेवल कम या ज्यादा होता है तो उसी पे ही वर्क करता है एमओजी। एमओजी का है एक मैकेनिज्म है, जैसे आप वर्ड से नाम से ही समझ सकते हो मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो आप इधर देख सकते हैं मैंने जो है आरएमयू में जो रिले होता है उसको जो है ओपन कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं ये असीदा का रिले है जिसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं एमओजी का। एमओजी का कनेक्शन कहाँ करते हैं, इधर आप देख सकते हैं जब आप रिले को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा है रिमोट ट्रिप। तो यहाँ पे लिखा है कि रिमोट ट्रिप,
अब हम इसको देखेंगे रिमोट ट्रिप ये कहाँ पे है। तो हमें इधर से नहीं दिखाई दे रहा था, हमने क्या कार करा, इसको पूरी तरीके से ओपन कर लिया। ओपन कर लिया तो हम इधर देखा हमने कि ये रिमोट ट्रिप का जो है सप्लाई देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो इधर लिखा है रिमोट ट्रिप। अब रिमोट ट्रिप लिखा है, इसमें लिखा है आगे टर्मिनल, ये बी टर्मिनल का है जिसमें है 3 और 4। तो हम यहाँ पर और देखने की कोशिश करेंगे इसके जो टर्मिनल है वो कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस पर हमने हमें टैग देखना है इसका, इसका टैग क्या है H4 और H9। तो इसे हमें सर्च करना है ये कहाँ जाके जुड़े हुए हैं। देख सकते हो आर्मियों के राइट साइड में एक बॉक्स था, इसको हमने ओपन कर लिया है जिसमें सारे टर्मिनल दिए गए हैं इसके कनेक्शन के। इसमें रिंग स्विच 1 का टर्मिनल है, इसमें रिंग स्विच 2 का टर्मिनल है और इसमें BCB सर्किट ब्रेकर का टर्मिनल है। अब इसे हमें जैसे हमने वहाँ पर देखा था H9 और H4, तो इन दोनों को पॉइंटों को हमें सर्च करना है। अब हमने H9 और H4 के टर्मिनल को सर्च कर लिया, जिसमें आप इधर देख सकते हैं H9 का टर्मिनल ये रहा, H4 का टर्मिनल ये रहा। इसको हमने नीचे देखा तो नीचे हमने कनेक्शन कर लिया जिसमें 202 और 204 में इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है आर्मियों में। अब हम चलते हैं ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक पे जो MOG लगा है वहाँ पर कनेक्शन कैसे होता है उस पर आपको दिखाऊंगा। के कंजर्वेटर टैंक की तरफ आ गए हैं। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ही ये एक साइड में लगा होता है डायल, इसे कहते हैं MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज। जैसे इसका नाम है मैग्नेटिक ऑयल गेज, उसी तरीके से इसके जो इंटरनल पार्ट होते हैं कनेक्शन उसी तरीके से कार्य करते हैं मैग्नेटिक पर ही। तो उसमें हम अलग वीडियो लेकर आएंगे कि मैग्नेटिक ऑयल गेज कैसे कार्य करता है इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कनेक्शन के बारे में। इसमें जो है 1 से लेकर 4 तक टर्मिनल दिए गए हैं। मैंने देखा कि 1 से 4 तक जो टर्मिनल दिए गए हैं कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है। इस पे आप देखोगे एक तरफ NC लिखा है, एक तरफ NO, जिसमें जो है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। 1 नंबर में और 4 नंबर में हमने कनेक्शन कर दिया, जिसमें आप देखोगे 1 नंबर में डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है और जो रिले से आई है वो हमने 4 नंबर में किया है, और जो रिले से दूसरा न्यूट्रल आया है उसको हमने यहाँ डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया। तो अभी हम चेक करेंगे इसको ये प्रॉपर ट्रिप होता है कि नहीं। देख सकते हो अभी हमने जो है MOG का कनेक्शन कर दिया और टेस्ट भी कर लिया है कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको जो है बंद कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये कवर प्लेट को जो है लगाया जा रहा है, तो जैसे हमने ओपन किया था उसी तरीके से कवर प्लेट को लगा देना है। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने जो बॉक्स इसको ओपन कर रखा था इसको भी क्लोज कर देना है प्रॉपर टेपिंग करने के बाद। हमने जो है पूरी तरीके से MOG का कनेक्शन कर दिया है, जिसमें ये पूरे वीडियो आप देखकर आराम से समझ सकते हैं। तो अगर जो आपको MOG के इंटरनल पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने जो कनेक्शन किया है इधर आप देख सकते हो, हमने 2-10 की एक वायर ली है मोटी सी, जिसमें हमने इंटरनली जो है कनेक्शन करा जो आपको अभी दिखाया था। तो इस तरीके का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।